यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में भूलकर भी मत करना ये गलतियां, वरना आप हो जाओगे फेल। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आप ये गलतियां करते हो तो यूपी बोर्ड में आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं कि वो कौन सी 5 गलतियां हैं जिसको अगर आप करेंगे तो आप यूपी बोर्ड में फेल भी हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आपको 90% मार्क लाना है, अगर आपको इतना पाना है, तो ये ध्यान दीजिए कि आपको हमारे चैनल CUDP लर्निंग को सब्सक्राइब करके रखना है। क्योंकि देखिए, हम आपके लिए कितना मतलब कि कंटेंट इस समय तैयार कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास इधर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, और इसके बाद ये कुछ अनसाल पेपर हमने यहाँ पर मंगा लिए हैं, ठीक है। और कुल 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7-7 सेट आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर अब मतलब कल से हल होकर उपलब्ध हो, मतलब कि आपके आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर हमने एक चीज़ और लिखा है, गलतियों को तो अभी बताएंगे कौन सी गलती आपको नहीं करना है। एक चीज़ मैंने लिखा है, क्लास 10th के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, आर्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है और सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके लिख दीजिएगा। सबसे पहले उसी पर वीडियो आपको मिल जाएगी। और वही हाल क्लास 10th के लिए हिंदी, इंग्लिश, मतलब कि ये आपका जो है, सॉरी, 10th है, ये आपका 12th होना चाहिए। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, और सब्जेक्ट के किसी टॉपिक में भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, अब आपको बताते हैं कौन सी गलती आपको नहीं करना है। देखिए, सबसे पहली बात करें कि आप अपना नाम जो है बोर्ड कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अगर आप ये गलती करते हो तो ध्यान दीजिए, आपकी कॉपी को जो है रिजेक्ट मान लिया जाएगा और एक भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। आपको कॉपी में अपना नाम जो है बिल्कुल भी नहीं लिखना है। दूसरी बात क्या है, रोल नंबर लिखना ना भूलें। मतलब आपने मतलब कॉपी में रोल नंबर अंकों में और शब्दों में ज़रूर लिखना। यही, इसी से आपकी कॉपी चेक होती है और इसी से आपकी मतलब कि आपके मतलब कि जब नंबर मिलेगा तो उसी रोल नंबर पर चढ़ाया जाएगा। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बात ध्यान दीजिए, कॉपी के हर एक पेज पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखिएगा। अगली बात करें, तीसरी कौन सी गलती है, लाल पेन का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। केवल काली से हेडिंग डालें और नीली पेन से आप पूरा मतलब कि लिखिएगा कंटेंट। अगर आप इसके अतिरिक्त तो मतलब लाल पेन का यूज करते हैं तो उसके लिए भी आपकी कॉपी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगली बात करते हैं, लिखावट आकर्षक रखें। आकर्षक मतलब दिखने में आपका लिखावट जो है काफ़ी अच्छा लगना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमसे तो बनवा ही नहीं करता, तो ध्यान दीजिए, आप काली पेन से हेडिंग डालिए और नीली पेन से लिखिए। और अगर आप जो है बहुत पास पास लिख रहे हैं, थोड़ा दूर दूर करना लिखने का अभ्यास करें, ये चीज़ आपसे बन जाएगा, ठीक। और अगर आपको यह नहीं पता है कॉपी कैसे लिखी जाती है, वीडियो में कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो जरूर बना देंगे। नेक्स्ट है, सभी प्रश्नों को जरूर हल करें। आपका कहना होगा कि यहां पर हमें तो जैसे मान लो आधे ही प्रश्न आने, तो आधे कैसे हल करें, उससे रिलेटेड कुछ लिखो, आपके 8-10 नंबर बढ़ने के चांसेस जरूर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।